पंजाब की सियासी पिच पर कप्तान के 23 खिलाड़ी उतर आए। सूबाई काबीना के अरकान ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस में कायम मुकाम गवर्नर चौधरी परवेज इलाही ने हल्फ लिया। पंजाब हुकूमत ने वज़रा की तकरीरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजीर आला पंजाब की काबीना अरकान को मुबारकबाद। महकमा सेहत में पहले 100 दिनों में तब्दीली नजर आएगी। सेहत की सहूलत सबका हक है, हमारा वीआईपी गरीब आदमी होगा। इमरान खान की सिपाही हूं, आवाम की खिदमत करूंगी, प्रोटोकॉल नहीं लूंगी। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की हल्फ उठाने के बाद मीडिया से गुफ्तगू। वजीर आजम के विजन पर बाइख्तियार चेक एंड बैलेंस वाला बल्दियाती निजाम लाएंगे। पंजाब में केपी और मुशर्रफ दौर के बल्दियाती एक्ट का इम्तजाज होगा। चंद रोज में मुशावरत के बाद नया एक्ट असेंबली से पास कराएंगे। सूबाई वजीर बल्दियात अब्दुल अलीम खान की लाहौर न्यूज से गुफ्तगू। बोले शहबाज शरीफ ने बल्दियाती निजाम के तमाम इख्तियार अपने पास रखे। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन इख्तियार के लिए एहतजाज करते रहे। लॉर्ड मेयर से कोई जाती रंजिश नहीं, अल्लाह ने इज्जत दी, सबको साथ लेकर चलूंगा। नए पाकिस्तान में गरीब आवाम की महरूमियों का अजाला होगा। कानून की हुक्मरानी को पूरी कुव्वत से नाफिज करेंगे। तालीम सेहत हर शहरी का हक है, यह हक दिलवाएंगे। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुजदार की मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात में गुफ्तगू। सरदार उस्मान का आवाम से बराह रास्त राबता करने का फैसला। वजीर आला हफ्ते में 2 घंटे फोन लाइन पर दस्तयाब होंगे। सोशल मीडिया पर भी आवाम से राबते में रहेंगे। हफ्ते में 1 दिन खुली कचहरी भी लगाएंगे। कप्तान की तरह खिलाड़ी का भी बड़ा फैसला। सूबाई वजीर हुसनैन दरेशक का कम से कम सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने का ऐलान। हुसनैन दरेशक कहते हैं, ना सरकारी गाड़ी लूंगा ना ही वजारत की तनख्वाह, आवाम की खिदमत के लिए काम करूंगा। शेख रशीद हनीफ गुल तनाजा अगले मरहले में दाखिल। हनीफ गुल को मनाने की कोशिशें नाकाम। ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी। ग्रेड 20 के आगा वसीम को नया चीफ कमर्शियल मैनेजर रेलवे लगा दिया गया। लाहौर न्यूज ने नोटिफिकेशन की कॉपी हासिल कर ली। खातून अव्वल के साबिक शोहर खावर मानिका को नाके पर रोकने का मामला। डीपीओ पाकपतन रिजवान उमर गोंदल को ओहदे से हटा दिया। आईजी पंजाब का सीपीओ ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म। खावर मानिका को नाके पर एसएचओ ने रोका, तलख कलामी भी हुई। वजीर आला उस्मान बुजदार ने वाकये का नोटिस लेते हुए डीपीओ को खावर के डेरे पर जाने का हुक्म दिया। रिजवान गोंदल ने माफी मांगने से इनकार कर दिया था। डीपीओ रिजवान गोंदल का किसी दबाव पर नहीं, गलत बयानी पर तबादला किया। बतौर पुलिस ऑफिसर गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया। शहरी से पुलिस अहलकारों की बदतमीजी पर बार बार गलत बयानी की। ट्रांसफर को गलत रंग देने और सोशल मीडिया पर वायरल करने पर रिजवान के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। गलत रवैये से मिसगाइड करने वाले अफसरान किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, आईजी पंजाब। लाहौर हाई कोर्ट ने मियानी साहब कब्रिस्तान में पक्की कब्रें बनाने पर पाबंदी आयद कर दी। कब्रिस्तान से पक्की कब्रें बनाने के रेट से मुतालिक बोर्ड्स फौरी उतार लिए जाएं। जस्ट सली अकबर कुरैशी का हुक्म। अदालती फैसले पर मिनोअन अमल करवाएंगे एसीसीटी सफदर विर्क। जस्टिस अली अकबर कुरैशी ने अंदरूनी शहर गैर कानूनी प्लाजों के खिलाफ केस में डीजी वॉल सिटी अथॉरिटी कामरान लाशारी को 29 अगस्त को तलब कर लिया। दाता दरबार के गिर्द तजावुजात के खिलाफ केस में डीसी लाहौर भी तलब। इमरान खान वजीर आजम तो बन गए मगर तब्दीली ना ला सके। ब्यूरोक्रेसी नए पाकिस्तान की बेइज्जती कर रही है। शहबाज शरीफ के लाडले ब्यूरोक्रेट्स को जेलों में सहूलियात दी जा रही हैं। साबिक चेयरमैन मतरूकाए वक्फ इमलाक बोर्ड आसिफ हाशमी की एहतसाब अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू।
पाक भारत आबी तनाजा मुजाकिरात के लिए आज भारतीय वफद लाहौर आएगा। वफद वाहदा के रास्ते लाहौर पहुंचेगा। मुजाकिरात में सिंध तास मुआहदे के तहत दोनों ममालिक के दरमियान पानी के मसाइल पर बात होगी। ऑरेंज ट्रेन मंसूबे के फ्रॉन्ज कॉर्डट का मामला, एलडीए और टीपा ने मंसूबे का तमाम रिकॉर्ड मरतब कर लिया। मंसूबे के दस्तावेजात पर होने वाले अफसरान के दस्तखत की तस्दीक शुदा फ्रॉन्जिक लैब से तस्दीक करवाई जाएगी। पंजाब फूड अथॉरिटी को नया डीजी मिल गया। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने डीजी फूड अथॉरिटी के ओहदे का चार्ज संभाल लिया। फूड अथॉरिटी अफसरान की महकमाना आमूर से मुतालिक ब्रीफिंग, मुजरे सेहत अशिया बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखने का फैसला। महंगाई से सताए आवाम पर दुकानदारों का खुद कुश हमला। दालों, लाल मिर्च, चीनी और चावल की कीमतों में अज खुद इजाफा कर दिया गया। दाल चना और माश 10 रुपए, मसूर 13 रुपए फी किलो बढ़ा दी गई। काले चने और बेसन की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा। लाल मिर्च की कीमत 60 रुपए फी किलो बढ़ा दी गई। चीनी के 50 किलो के बैग में 150 रुपए इजाफा कर दिया गया। मेट्रोपॉलिटन का 20वां इजलास 4 सितंबर को तलब। चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने मंजूरी दे दी। बल्दियाती नुमाइंदों की 1 अरब 91 करोड़ की तरक्याती स्कीमें एजेंडे में शामिल। मॉल रोड को असल हालत में बहाल करने और तारीखी इमारत की तजीनो आराइश की मंजूरी भी दी जाएगी। डाकू बेलगाम, पुलिस पकड़ने में नाकाम। वारदातों का नॉन स्टॉप सिलसिला जारी। फैसल टाउन में डकैती मजाहमत पर 25 साल नौजवान जख्मी। निश्तर कॉलोनी में डाकू शहरी से 25 लाख रुपए छीनकर फरार। थाना टीबी सिटी की हदूद में भत्ता ना देने पर ताजर को फायरिंग से जख्मी कर दिया। जौहर टाउन में घर के बाहर गाड़ी चोर लेकर गायब। और लौंग लाची की गुलकारा मनत नूर अब लाहौर में आवाज का जादू जगाएंगी। अदाकारा जारा अकबर के साथ म्यूजिकल शो में परफॉर्म करके लिए मुआहदा तय कर लिया। इंतजामात मुकम्मल करने के बाद शो की तारीख और मकाम का ऐलान किया जाएगा। जारा अकबर